पूछा हमने उनसे कि भुला दिया हमको कैसे, तो कहने लगी ऐसे ऐसे। क्या रंग लाया तुम्हें मुझ पर प्यार ना सही, पर खुद पर शर्म तो आती होगी। अफसोस करोगे। मेरा फिक्र करना उसे लगता शक था। मैं रोकता था कुछ लोगों से मिलने को, मेरा हक था। और दोस्तों ने बोला था कि वो तुझे प्यार नहीं करती, मानता नहीं था मैं, मगर सच था। काश कभी तू समझता मुझे। तो अर्ज है कि पुरानी होकर भी खास होती जा रही है जनाब, मोहब्बत बेशर्म है, बेहिसाब होती जा रही है। के सारा कसूर हमारा नहीं था मोहब्बत में, नजरें जब भी मिली मुस्कुराया तुम भी करती थी। छूट जाएगी तेरी जिद की आदत उस वक्त जब खबर मिलेगी कि तुझे याद करने वाला अब याद बन गया। वो लम्हे बहुत खास होते हैं जब हम दोस्त एक साथ होते हैं। वो लम्हे बहुत खास होते हैं जब हम दोस्त एक साथ होते हैं। खोकर तुम हमें कभी पा ना सकोगे मेरी जान, हम वहां चले जाएंगे जहां तुम कभी भी आ ना सकोगे। कभी कभी किसी से इतना प्यार हो जाता है कि जब उनसे बात ना हो ना तो दिन तो क्या, जिंदगी भी अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ एक इंसान के लिए हर किसी से लड़ सकता हूँ, और वो कोई ऐरा गहरा दोस्त नहीं, दोस्त से भी बढ़कर मेरा भाई है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ। मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी। मेरे नाराज होने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू जानती है तुझे देखते ही मैं पिघल जाऊंगा। बहुत रोएगी तू उस दिन जिस दिन सच में चला जाऊंगा। कि हंसकर फोटो और रोकर नींद बहुत अच्छी आती है। फोटो का तो मुझे नहीं पता, पर कल रात को नींद बहुत अच्छी आई थी मुझे। लाइफ में ये तीन बातें हमेशा याद रखना, देखना खुश रहोगे। कभी किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर किसी पर भरोसा करना तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना। अगर किसी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है ना, तो सबसे पहले खुद को अपना दोस्त बनाना। देखना जिंदगी आसान हो जाएगी। हेलो हेलो, कौन? राहुल, मैं अनु। अनु? हाँ, आवाज नहीं पहचान पा रहे हो तुम मेरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में 1.5 साल हो गए ना ब्रेकअप को हुए हुए, तो आवाज पहचाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। राहुल, मैं चाहती हूँ कि हम फिर से पास आ जाए।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पास आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल में नहीं आ पाओगे। ए खुदा मुझे बुला लेना अपने पास, इस दुनिया में अब मेरा दिल नहीं लगता। तुम अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि अब तुम सिर्फ तुम्हारे नहीं हो, मेरे भी हो। वक्त के साथ बहुत कुछ देखा, पहले खूबसूरत चेहरा देखा, फिर उसकी बात देखी, फिर उसकी औकात देखी, और अब उसे देखने का भी मन नहीं करता। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज जरूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं।